हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 18 और 19 का श्रवण किया। आज हम 20 और 21 एक साथ पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा था, सुन रहा है, हे महादेव, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में क्या बताया गया है। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या, किस प्रकार पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए, उनका पाणिग्रहण करने के लिए किस प्रकार उनकी तपस्या की है, हम आज जानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देववर से तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना है और तपस्या के लिए ही मन में निश्चित किया है। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमांचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा बाहर ना जाओ ऐसा कहा, इसीलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिव को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता जी की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कट प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीर्घ्र वल्क धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तपस्या के लिए गंगा वातरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा वातरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जल धारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तात्पर हुए सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्ष को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी कड़का केरी सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुसा धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वदा निराहार रहने लगी। तो भी तत्पश्चात
तपचर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमालय पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पड़ का भी परित्याग कर दिया, इसीलिए देवताओं ने उनका नाम अर्पणा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्क कल से ढके थे, वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिवा के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपने तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तादांतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन तात्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेश का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करते हुई जटा वल्क धारणी निरकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसा तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विषम हुआ। महेश्वर पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावता एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं हो। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। तो दोस्तों, यहीं पर ये 21वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे हम 22वें अध्याय में जानेंगे कि पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना, ये हम जानेंगे 22वें अध्याय में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।